5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Caleb, what's in the crater? I don't know. तो कहानी शुरू होती है साल 2257 में, जहां हमें चांद की सैर कराते हुए लूनर माइनिंग कॉलोनी को दिखाया जाता है, जहां वर्कर्स हीलियम की खुदाई करते थे। पर चांद के उस जगह पे अगले 7 मिनट में मीटियोर शावर होने की संभावना थी और इसलिए वहां पर टेम्पररी लॉकडाउन लगने वाला था। और अब हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक लूनर रोवर को स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, और थोड़ी कोशिश के बाद वे लोग उस रोवर को स्टार्ट कर ही लेते हैं। पर तभी वहाँ अलार्म बज उठता है और ये सीन यहीं खत्म हो जाती है। और अब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम कैलेब को देखते हैं और वहाँ मारिया आती है जो कि इस माइनिंग फैसिलिटी की हेड थी, और वो कैलेब को कहती है कि उसके फादर यहाँ माइनिंग कॉलोनी में काम करते थे और एक हादसे के कारण उनकी मौत हो गई, और उनके फादर के साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर किसी वर्कर की जान जाती है तो उनके बच्चों को ओमेगा प्लेनेट पे हमेशा के लिए भेज दिया जाएगा। और अब कैलेब भी वहाँ पर जाने वाला था, और वो भी मीटियर शावर के खत्म होने के तुरंत बाद। और कैलेब अपने दोस्तों से बिछड़ने के बारे में सोचकर ही बहुत ही घबराया हुआ था। अगले सीन में कैलेब माइन कॉलोनी के सबसे ऊपर मौजूद टावर में पहुंच जाता है और वहाँ अपने फादर के कुछ मेमोरीज को याद करता है, जहाँ उसके फादर उसे हमेशा से ही एक क्रेटर के बारे में बताया करते थे जो कि माइनिंग कॉलोनी से कुछ किलोमीटर दूर था। और कैलेब के फादर हमेशा से ये चाहते थे कि कैलेब एक दिन जरूर उस क्रेटर को देखने जाए, पर उसकी मदर की डेथ 7 साल पहले ही हो चुकी थी और अब उसके फादर भी नहीं रहे थे। और कैलेब ओमेगा प्लेनेट पे जाने से पहले अपने पेरेंट्स के लिए उस क्रेटर पर जाने का फैसला करता है, और इस फैसले में उसके कुछ दोस्त भी साथ थे। और अब सीन वापस से शिफ्ट होती है और वे लोग उसी क्रेटर तक पहुंचने के लिए उस रोवर को चुरा रहे थे, और अब 3 मिनट में ही लॉकडाउन लगने वाला था। और वे लोग उस रोवर को लेकर माइनिंग के डोर को खोलने के लिए कोड्स को एंटर करते हैं, और वो कोड्स उन्हें एडिसन से मिले थे जो कि कुछ दिन पहले ही माइनिंग फैसिलिटी में आई थी। और अब वे लोग फैसिलिटी से बाहर आ चुके थे और वे लोग बिना देरी किए उस क्रेटर की तरफ रोवर को लेकर जाने लगते हैं। और कैलेब रास्ते में ही उस स्पेसशिप को देखता है जो कि एक दिन बाद ओमेगा प्लेनेट की तरफ रवाना होने वाला था। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वे लोग एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर को देखते हैं जो कि आधा अधूरा था, और कैलेब कहता है कि मेरे फादर मुझे बताया करते थे कि सालों पहले जब वे लोग चांद पे आए थे तो वो धरती वासियों के लिए जन्नत से कम नहीं थी, और वे लोग यहाँ बिल्डिंग्स बनाने लगे, पर जैसे ही उन्हें चांद से बेहतर प्लेनेट ओमेगा मिला तो सब कुछ बदल गया। कैलेब आगे कहता है कि हम सारे लोगों के फादर धरती को छोड़कर चांद पे 20 सालों के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए आए थे ताकि 20 साल के बाद वे सारे लोग अपने फैमिली के साथ ओमेगा प्लेनेट पे जा सके। पर यहाँ आने के बाद चीजें बदल गईं, क्योंकि जैसे ही वे लोग काम में डिले करते या फिर बीमार पड़ते तो उनके 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया जाता, और अगर वे जिंदा रहते कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते तो उनके बच्चों के बच्चों को भी ये करना पड़ता, और इसलिए उन्हें पता था कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का स्कैम था। और वे लोग यहाँ जिंदगी भर हीलियम की माइनिंग करते हुए रह जाएंगे जो कि उन स्पेसशिप के लिए ईंधन का काम करता था। और अब एडिसन कैलेब से पूछती है कि उस क्रेटर में क्या है, पर कैलेब कहता है कि मुझे नहीं मालूम, बस मेरे फादर कहते थे कि मैं एक दिन तुम्हें वहाँ पर जरूर लेके जाऊंगा, पर इससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। पर तभी बोनी उन लोगों को भूतों की कहानियाँ सुनाकर डराने लगता है, और डेलन गुस्से में आकर कहता है पर अब वे लोग वहाँ रुककर थोड़ी मस्ती करने का फैसला करते हैं, और मार्कस यहाँ रोवर के गेट को खोलता है और वे लोग चांद के सतह पर कम ग्रेविटी का मजा लेते हैं क्योंकि उन लोगों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। एडिसन यहाँ धरती को देखती है और वो बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि उसे अपने अपने लोगों की बहुत ही याद आ रही थी, पर बाकियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि वे सारे लोग बचपन से ही यही हैं। और अब वे लोग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक को एक थ्रस्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। पर इसी दौरान बोनी के ऊपर जाते ही केबल टूट जाती है और बोनी बस इधर उधर उड़ने लगता है, और अब सारे लोग ऑक्सीजन टैंक को उठाकर बोनी को पकड़ने के लिए ऊपर उड़ते हैं, और एडिसन उन्हें गाइड कर रही थी। बोनी यहाँ अपने टैंक को रिलीज कर देता है और मार्कस उसे किसी तरह पकड़ लेता है, पर वे सारे लोग टैंक के थ्रस्ट के कारण अनबैलेंस होकर चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करते हैं। और अब एडिसन कहती है कि हमें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल करके उसे बर्बाद
बर्बाद कर दिया है और इतने कम ऑक्सीजन में हम उस क्रेटर तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे और रास्ते में ही दम घुटने के कारण मारे जाएंगे। पर अब कैलेब वापस जाना नहीं चाहता था और इसलिए वो पास में ही मौजूद एक पुराने फैसिलिटी के बारे में बताता है जहां उन लोगों को ऑक्सीजन मिल सकती थी और अब वे लोग उस बंद पड़े आउटपोस्ट की ओर निकल पड़ते हैं। पर जैसे ही इस बात की खबर बॉनी को मिलती है तो वो फिर से भूतों की कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। पर इस बार डेलन कुछ ज्यादा ही गुस्से में था और बॉनी और डेलन के बीच सीरियस फाइट होने लगती है। पर कैलेब उनको रोकते हुए कहता है कि क्या तुम लोग इसी तरह हमारे आखिरी दिन को बर्बाद करने वाले हो, और वे लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं और आउटपोस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। और थोड़ी देर बाद वे लोग उस बंद पड़े आउटपोस्ट में इंटर करते हैं, पर वहाँ बहुत ही अंधेरा था। पर वे लोग ऑक्सीजन टैंक की तलाश में आगे बढ़ते हैं और तभी पर तभी लाइट्स के ऑन होते ही हमें पता चलता है कि वो तो बस एक पुतले थे और एडिसन कहती है कि ये कोई आउटपोस्ट नहीं है बल्कि ये तो एक घर का डेमो है जिसे साइंटिस्ट चांद पर आने के बाद तुरंत ही बनाने लगे यहाँ रहने के लिए। और अब सारे लोग पूरे घर को छान मारते हैं और मार्कस और बोनी दोनों स्टोर रूम में पहुँचते हैं और उन्हें कुछ ऑक्सीजन टैंक मिल ही जाते हैं। और अब वे लोग जी भर कर खाना खाते हैं और रात वहीं गुजारने का फैसला करते हैं। और अब एडिसन यहाँ बताती है कि 20 साल पहले धरती में मौजूद सारे देश रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और इसी कारण अरबों खरबों लोगों की जान चली गई। और एडिसन के पेरेंट्स ने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया और उसकी मदर उसके छोटे भाई के साथ पिछले शिप में बैठकर ओमेगा के लिए रवाना हो चुकी है और उसके फादर अब एडिसन के लिए ओमेगा की ट्रिप को खरीदना चाहते थे 20 साल तक फैसिलिटी में काम करके, और इसलिए वे लोग यहाँ हैं। और अब वे सारे लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं, पर कैलेब यहाँ जानता था कि वो अपने दोस्तों को बहुत ही मिस करने वाला है। अगली सुबह वे लोग रोवर को लेकर क्रेटर की तरफ निकलते हैं, पर रास्ते में ही उनका रोवर खराब हो जाता है और एडिसन फौरन ही एक SOS अलार्म माइनिंग फैसिलिटी में भेज देती है और सारे लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो उस क्रेटर पर जाना था। और एडिसन कहती है कि हम वहाँ जरूर जाएंगे और हमारे लौटने तक रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर आ चुकी होगी और हमें बचा लिया जाएगा। और अब वे लोग पैदल ही चांद के सतह पर उस क्रेटर के लिए निकलते हैं जो कि अब उनसे कुछ ही दूर में था। और आखिरकार वे लोग उस क्रेटर तक पहुंच ही चुके थे और वे लोग वहां एक अजीब सी चमकती हुई क्यूब को देखते हैं और कैलेब उसके बारे में और जानने के लिए उसके नजदीक जाने का फैसला करता है। और मार्कस वहां एक दरवाजे को ढूंढ लेता है और अब आखिरकार वे लोग उस क्यूब के अंदर जाते हैं, पर उस क्यूब के अंदर पहुंचते ही उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता और कैलेब को लगता है कि वे लोग गलत जगह पर पहुंच चुके हैं या फिर यहां जो कुछ भी था वो जा चुका है। पर एडिसन को वहां दीवारों के बीच एक स्विच मिलती है जिसे दबाते ही उस रूम के अंदर धरती की खूबसूरत वादियों की एक होलोग्राफिक इमेज शुरू हो जाती है जिसे देखकर वे सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वे सारे लोग उस धरती को देख रहे थे जो कभी हुआ करती थी। और अब कैलेब को उस जगह पर अपने मदर की तस्वीर मिलती है और साथ ही साथ उनकी अस्थियां भी जो कि एक कैप्सूल में थी, और कैलेब अपने फादर की अस्थियों वाले कैप्सूल को साथ में उसी जगह पे रख देता है ये सोचते हुए कि वे लोग एक दूसरे के साथ हैं। और कैलेब को एक बहुत ही अजीब बात का पता चलता है और वो कहता है कि उसके फादर की मौत एक हादसा नहीं था बल्कि वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते थे कि अगर काम करने के दौरान उनकी मौत हुई तो उनके परिवार को ओमेगा भेज दिया जाएगा क्योंकि उनके मौत के एक दिन पहले ही उनके फादर उनसे एक वादा लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कैलेब इस जगह पर जरूर आएगा। और हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले कैलेब के मदर की तबीयत बहुत ही जोरों से खराब हो गई थी और इसलिए उसके फादर को कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ी और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनके ऊपर और कई साल जोड़ दिए गए और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि वो इस जगह पर काम करते करते मर जाएंगे। और अब डेलन कहता है कि तुम्हारे फादर ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया ताकि तुम इस नर्क से निकल सको और एक खुशहाल जिंदगी जी सको, पर कैलेब यहाँ से जाना नहीं चाहता था। पर इतने में ही मार्कस की तबीयत लो ग्रेविटी के कारण खराब होने लगती है क्योंकि वो पहले से ही बीमार था और उसकी दवा भी रोवर में ही रह गई थी। पर मुसीबत तो आनी अभी बाकी थी क्योंकि तभी वहाँ मीटियोर शावर भी शुरू हो जाता है और अब वे सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए मीटियोर से बचते हुए रोवर की ओर भागते हैं। पर इतने में ही एक मीटियोर का टुकड़ा एडिसन के बहुत ही करीब आकर गिरता है
और सारे लोग किसी तरह रोबर तक पहुंचते हैं, पर एडिसन पीछे ही छूट गई थी। और अब कैलेब और डेलन दोनों एडिसन को लेने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, पर अब एक मीटियोर के टक्कर से डेलन का हेलमेट क्रैक हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर रोवर का विंडशील्ड भी टूट जाता है और कैलेब इधर बेहोश डेलन को लेकर रोवर की तरफ भागता है। और वे लोग रेस्क्यू टीम के इंतजार में उसी रोवर में वक्त को गुजारने के लिए मजबूर थे, पर कैलेब बखूबी जानता था कि जब तक मीटियोर शावर रुकता नहीं तब तक उनके लिए मदद भी नहीं आने वाली। और अब कैलेब डेलन से माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से उसके सारे दोस्तों की जान आज मुसीबत में थी। पर डेलन कहता है कि तुम्हारी वजह से हम उस धरती को देख पाए जहां हम कभी जाने की सोच भी नहीं सकते, और इसलिए हम लोगों को तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। पर अब धीरे धीरे उनके सूट की ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने लगती है और वे लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ही शरीर के अंदर लेने लगे थे और धीरे धीरे वे लोग मौत के करीब जा रहे थे। पर शायद आज उनकी मौत लिखी नहीं थी। और हम वहाँ रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो कि उनके रोवर तक पहुँच चुकी थी और वे लोग बचा लिए जाते हैं। अगली सुबह कैलेब की आंख खुलती है और वो सबसे पहले अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो तो ओमेगा पर है और ये सुनते ही वो दंग रह जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो अपने आप को संभालता है और वो अपने दोस्तों के द्वारा भेजे गए ऑडियो सिग्नल को सुनता है और थोड़ा रिलैक्स करता है क्योंकि उसके दोस्त सही सलामत थे और वे लोग उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। और कैलेब ये सुनकर बहुत ही भावुक हो जाता है। और अब हमें उन सारे दोस्तों से पता चलता है कि वे लोग धीरे धीरे बड़े हो चुके हैं और एडिसन ने कॉन्ट्रैक्ट में लूप होल को ढूंढ लिया है और एक्स्ट्रा वर्क टाइम को जनरेशन में पास करने से रोक दिया है। और वे लोग उस बड़े से स्ट्रक्चर को भी दोबारा से बना रहे थे उन लोगों के लिए जो अभी तक ओमेगा पे नहीं पहुंचे हैं। और अब डेलन ने एडिसन से शादी भी कर ली है और इधर कैलेब एक परिवार के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। और कैलेब अब किसी तरह एडिसन के छोटे भाई को ढूंढ लेता है और अब वे दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।